हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपिसोड 2 में। ये एक लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम रेलवे ARPO टेक्नीशियन में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का थ्योरेटिकल पोर्शन जो आने वाला है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए थे जिसमें हमने 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट एंड टी स्क्वायर। तो ये अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे सेट स्क्वायर, पेंसिल और मिनी ड्राफ्टर के बारे में। तो इस लेक्चर में जो पिछले लेक्चर में रिमेनिंग चीज़ थी वो पढ़ेंगे और जो आगे इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में क्या क्या छूट गया था वो पढ़ते हैं। ड्राइंग बोर्ड के बारे में कुछ चीज़ें थी जो छूट गई थी। ड्राइंग बोर्ड, सबसे पहले तो ड्राइंग बोर्ड में हमने जो मटेरियल यानी जो लकड़ी प्रयोग की गई थी उनके टाइप पढ़े थे, फर, पाइन, ओक इत्यादि। उसमें फ्रेंड्स ये एक सवाल और बन जाता है जिसमें आपको क्वेश्चंस में सीजन बोर्ड यानी मौसमी लकड़ी भी कभी कभी आ जाता है, गांठ मुक्त लकड़ी भी कभी कभी आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये ऑप्शन है तो आप ये भी वहाँ पर आंसर सही होगा। जो ड्राइंग बोर्ड है वो वेल सीजन बोर्ड के भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन जो था वो था बैटन के बारे में, बैटन्स के बारे में, ठीक है। बैटन्स क्या होती हैं? जो बोर्ड हम बनाते हैं उनको जोड़ने के लिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था, अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है रेलवे के लिए। तो यहाँ पर हमने बैटन्स लगाई थी, बैटन्स लगा करके जोड़ा था। तो ये जो बैटन्स हैं बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनमें एक प्रक्रिया होती है, एक घटना होती है जिसको बोलते हैं वार्पिंग। यानी जब मौसम चेंज होता है तो क्या होता है, लकड़ी फूल जाती है या फैल जाती है, तो उसको वार्पिंग कहते हैं। वार्पिंग को रोकने के लिए भी बैटन्स का यूज़ होता है, बैटन्स इसलिए लगाई जाती है ताकि वार्पिंग ना हो। तो ये होता है। तीसरा जो होता है यहाँ पर एबनी जो पार्ट था, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एबनी क्या होता है, इसकी स्ट्रेटनेस की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो वो टेस्टिंग जो होती है वो टी स्क्वायर से होती है, ये ध्यान रखें, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। जो एबनी का स्ट्रेटनेस है उसकी जो स्ट्रेटनेस की जांच है वो टी स्क्वायर से की जाती है। तो ये कुछ पोर्शन था जो छूट गया था। ओके, सेट स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेट स्क्वायर एक ट्रायंगल शेप का उपकरण होता है जिसका यूज किया जाता है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन या किसी एंगल पर लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। वर्टिकल लाइन भी इनसे ड्रॉ हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं होती है। स्टैंडर्ड क्या है, सेट स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमारे पास है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर ऑप्शन में आता है कि सेट स्क्वायर से कौन सी लाइन ड्रॉ नहीं की जाती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन करेक्ट आंसर है। हम ड्रॉइंग शीट पर बना तो लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेट स्क्वायर से, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं सेट स्क्वायर, जिसमें पहला होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, और सेकंड होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये दो प्रकार के सेट स्क्वायर होते हैं। तो अब इनको देख लेते हैं ये दिखाई कैसे देते हैं। ये ध्यान रखें, कभी कभी सेट स्क्वायर में फ्रेंच कर्व या प्रोटेक्टर भी इनबिल्ट होता है। फ्रेंच कर्व प्रोटेक्टर क्या होता है इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। पहला तो इस तरीके का होता है ये सेट स्क्वायर जिसमें 45 डिग्री और 90 डिग्री होता है। दूसरा सेट स्क्वायर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये दो प्रकार के सेट स्क्वायर आते हैं। अब बात आती है मटेरियल की, ये किस मटेरियल के बने होते हैं। तो ये वुड, टिन, सेलुलॉयड और प्लास्टिक, ठीक है। अभी फिलहाल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सेट स्क्वायर हैं वो सेलुलॉयड, ट्रांसपेरेंट सेलुलॉयड या प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ क्या होता है, अभी यूज़ की बात करते हैं। यूज़ अभी बताया मैंने, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, वर्टिकल लाइंस एंड एंगुलर लाइंस, ठीक है। एंगुलर लाइंस ड्रॉ करने के लिए इनका यूज़
किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो ये कि एक सिंगल सेट स्क्वायर, अब ये हो या ये कोई सा भी एक सेट स्क्वायर से कितने डिग्री का एंगल नहीं बनाया जा सकता। आपको ऑप्शन रहेगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 15 डिग्री। कंफ्यूज करने के लिए देगा 15 डिग्री, तो 15 डिग्री का जो एंगल है वो नहीं बना सकते अकेले सेट स्क्वायर से, दोनों में से कोई भी अकेला सेट स्क्वायर हो। और दूसरा जो सवाल बनता है इसमें चौथा आंसर सही है, और जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो सेट स्क्वायर्स हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें इनके संयोजन से टी स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री या इसका मल्टीपल, इसका जो भी मल्टीपल होगा जैसे 30, 45, 60, 75, 105 इस तरीके से, इसका जो भी मल्टीपल होगा वो इन दोनों के संयोजन से टी स्क्वायर की हेल्प से बनाया जा सकता है। तो ये सेट स्क्वायर के बारे में कुछ नॉलेज है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग की, सेट स्क्वायर का टेस्टिंग किस प्रकार किया जाता है। दो प्रकार से सेट स्क्वायर का टेस्टिंग किया जाता है, जिसमें पहले देखा जाता है कि सेट स्क्वायर एक्यूरेट है या नहीं। तो इस सबसे पहले में क्या किया जाता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं सेट स्क्वायर को पहले इस प्रकार से लगाते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सेट स्क्वायर को क्या कर दिया जाता है, रोटेट करके दूसरी साइड में इस प्रकार रख दिया जाता है, ठीक है। और फिर से हम क्या करते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वहीं से रोटेट करना है और लाइन ड्रॉ करनी है। और अगर जो ड्रॉ की गई लाइन है इन दोनों में गैप है तो ये सेट स्क्वायर की जो एज है वो एक्यूरेट नहीं है, वो टेपर है, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर एज जो है इसकी, इसका जो टेस्टिंग किया जाता है वो नेल्स से यानी नाखून से किया जाता है, जिससे भी फील हो जाता है कि जो इसकी एज है वो कहीं से ख़राब तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार दो प्रकार से क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है सेट स्क्वायर का। आइए दोस्तों पेंसिल के बारे में पढ़ते हैं। पेंसिल को कुल 18 ग्रेड सिस्टम में डिवाइड किया गया है जो आपके सामने यहाँ पर है। कुल कितने प्रकार की पेंसिल्स होती हैं, 18 ग्रेड वाइज इनको डिवाइड किया जाता है 9H से 7B, ये ग्रेडिंग होता है। 9H सबसे हार्ड पेंसिल होती है, हार्डेस्ट, ठीक है। इनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है प्राथमिक रूप में। तीन ग्रुप कौन कौन से, छः करके तीन ग्रुप हैं जिनमें 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 ये आती है हार्ड ग्रुप में, ठीक है। और बाकी जो 3H, 2H, HF, HB, B ये जो ये पेंसिल है ये आती है मीडियम ग्रुप में, और जो लास्ट की 6 बची हुई हैं ये आती है सॉफ्ट ग्रुप में। तो तीन ग्रुप में वैसे तो डिवाइड किया जाता है, लेकिन हर एक पेंसिल का नाम क्या है, कैसे उसको पहचानते हैं वो यहाँ पर गिवन है। 9H को हार्डेस्ट कहा जाता है, फिर 8H, 7H, 6H, 5H एंड 4H ये एक्सट्रीमली हार्ड होती हैं, 3H को वेरी हार्ड, 2H हार्ड, H मॉडरेटली हार्ड, F फर्म, ये ध्यान रखें ये एक अलग तरीके की ग्रेड होती है F, ठीक है। HB हार्ड बोन्ड, HB मतलब होता है हार्ड बोन्ड, मीडियम, B को मॉडरेटली सॉफ्ट एंड ब्लैक, 2B को सॉफ्ट एंड ब्लैक, 3B को वेरी सॉफ्ट एंड ब्लैक, और ये जो तीन पेंसिल्स हैं इनको वेरी सॉफ्ट और वेरी ब्लैक कहा जाता है, और 7B सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल होती है 7B। तो क्वेश्चन अगर आ जाए हार्डेस्ट पेंसिल 9H, सॉफ्टेस्ट पेंसिल 7B, ठीक है। अब ये जो हार्डनेस है और ये सॉफ्टनेस है ये कैसे डिसाइड होता है फ्रेंड्स, ये डिसाइड होता है पेंसिल के लेड से। अब ये लेड क्या है, लेड जो कोर होती है पेंसिल, जैसे मार्कर का कोर ये पिन है, ऐसे ही पेंसिल का कोर होता है ब्लैक कलर में, ठीक है। वो जो लेड होता है वो दो मटेरियल से मिलकर के बना होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड क्ले, इसको क्रायोलाइट भी कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से बना होता है जो पेंसिल का लेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। अगर फ्रेंड्स हम क्ले की मात्रा को बढ़ाएं तो उतनी ही हार्डनेस पेंसिल की बढ़ती जाती है, यानी हार्डनेस अगर हमें बढ़ानी है किसी पेंसिल की तो उसमें क्ले की मात्रा क्या करें, इंक्रीज कर दी जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ टाइप्स ऑफ पेंसिल, और लेड जो होता है वो किस प्रकार से बना होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यूजेस की।
फ्रेंड्स अगर हम बात करें पेंसिल के यूजेस की तो यूज़ कुछ इस प्रकार होता है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखें ड्राइंग में मैक्सिमम जो यूज़ होने वाली पेंसिल है HB, H एंड 2H, इन तीन पेंसिल्स का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे वो और भी पेंसिल पर आ सकते हैं, तो किस किस पर आ सकता है और क्या क्या इनका यूज़ है वो यहाँ पर है। HB पेंसिल का जो यूज़ होता है बाउंड्री लाइंस, यानी जो अभी यहाँ पर आपको समझना होगा बाउंड्री लाइन क्या होती है। जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो ये आउटर लाइन है इनको बाउंड्री लाइन कहते हैं। आउटर लाइन एंड बाउंड्री लाइन ये दोनों एक ही बात है। फाइनल आंसर लाइन जैसे हमें यहाँ पर बनाना है दीर्घवृत्त का निर्माण करते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको संकेंद्री मेथड से क्या करते हैं संकेंद्री वृत्त विधि से हम बनाते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है ये इलिप्स है, ये जो दीर्घवृत्त है ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह की लाइन को हम HB पेंसिल से, क्योंकि HB पेंसिल एक्चुअली क्या होता है वो कंपेरिजनली डार्क होती है, ठीक है, ये मीडियम होती है। अगर हम चलने की बात करें ये मीडियम होती है और ये लाइट पेंसिल्स होती हैं। ये हार्ड पेंसिल कैसी होती है, लाइट पेंसिल्स होती हैं। इसके बाद नोट्स, अगर ड्राइंग पर कोई भी नोट हमें लिखना हो यानी जैसे डायमेंशन फिगर या टाइटल ब्लॉक इत्यादि अगर हमें लिखने हो तो वो भी HB पेंसिल से, और डायमेंशनिंग फिगर भी HB पेंसिल से। डायमेंशनिंग फिगर क्या होती है, जैसे यहाँ पर हम डायमेंशन लिखेंगे तो ये जो 20 है ये डायमेंशन फिगर कहा जाता है। टाइटल, इस ड्राइंग का नाम क्या है इसको हम कहते हैं। तो HB पेंसिल का यूज़ कुछ इस प्रकार है। अब H की बात करते हैं, H पेंसिल कंस्ट्रक्शन लाइंस, जैसे हमने यहाँ पर ये एक एलिप्स बनाया है संकेंद्री वृत्त विधि से, तो इसमें हम जब ये पार्ट्स करेंगे और ये जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, ये फाइनल वर्क नहीं, जितना भी ये कंस्ट्रक्शन रचना जो हम कर रहे हैं वो सभी लाइन H पेंसिल से। एरो हेड्स, यहाँ पर ये जो एरो हेड है ये H पेंसिल से। एक्सटेंशन लाइन, जो लाइन इन एरो हेड को रोकती है उनको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको भी H पेंसिल से क्योंकि ये मीडियम है। डायमेंशन लाइन, ये जो ये वाली लाइन है डायमेंशन लाइन कहलाती है, इसको भी H पेंसिल से। सर्कल एंड आर्क, सर्कल और आर्क भी किससे, H पेंसिल से बनाए जाते हैं। हम बात करते हैं 2H एंड 3H की। लाइट लाइंस, जो फीकी रेखा होती है हल्की रेखा होती है उनको 2H 3H से बनाया जाता है। सेंट्रल लाइंस, एक्सिस लाइंस, डोटेड लाइंस, अभी यहाँ पर देखो अगर हम इसको पूरा बनाना चाहें तो यहाँ पर जो पिछले वाला सरफेस है कुछ इस तरीके से डोटेड बनाना पड़ेगा, ये डोटेड लाइन 2H या 3H की पेंसिल से। और हैचिंग लाइन, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेक्शन करते हैं इसमें मैं ये तिरछी रेखाएं खींचनी है इनको हैचिंग लाइन कहा जाता है, तो हैचिंग लाइन भी किससे 2H एंड 3H से यहाँ पर बनाई जाती है, 3H की पेंसिल जो होती है। और ये जो बाकी पेंसिल है 3H 4H 5H एंड 6H फॉर कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स। फ्रेंड्स देखिए, जो ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड होती है और जिनको हमें ज़्यादा टाइम तक रखना होता है उनको हम इन पेंसिल से बनाते हैं, क्योंकि ये पेंसिल क्या करती हैं जब हम इनको चलाते हैं तो एक गहरा गड्ढा करते हुए भी चलती है, तो जब हम उसको बहुत दिनों बाद भी यूज़ करते हैं तो ये स्याही उड़ जाने के बाद, यानी पेंसिल का जो इंक है वो उड़ जाने के बाद भी उसमें क्या होता है लाइन बनी रहती है। इसलिए 3H 4H 5H और इन हार्ड पेंसिल्स का यूज़ कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग से लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बाउंड्री लाइंस बनाने के लिए कौन सी पेंसिल यूज़ की जाती है, या HB पेंसिल के कार्य कौन कौन से हैं, यूज़ कहाँ पर किए जाते हैं, तो ये पेंसिल के यूजेस हैं। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये कि पेंसिल की जो नोक है जो उसका कोर है कितने प्रकार से उसको नुकीला या शार्प किया जाता है। दो प्रकार से शार्प किया जाता है, नंबर वन चीजल टाइप में किया जाता है, नंबर सेकंड कोनिकल टाइप में किया जाता है। ठीक है, चीजल टाइप में कैसे, कुछ इस तरीके से, और कोनिकल टाइप में कैसे, कुछ इस प्रकार कोनिकल टाइप में इसको शार्प किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद और जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, कुछ अन्य पेंसिल्स हैं जो भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, उनमें से मैकेनिकल पेंसिल भी है, मैकेनिकल पेंसिल या इसको क्लच पेंसिल भी कहा जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार की पेंसिल होती है, ये एक पेन के टाइप की पेंसिल होती है, आपने देखी भी होगी,
कुछ इस प्रकार होती है ये पेंसिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो पेंसिल की नोक है, कोर है, इसको शार्प करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, छीलने की आवश्यकता नहीं होती है, और ये 0.3, 0.5, 0.7 और 0.9 थिकनेस की लाइन ड्रॉ कर सकती है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा पेंसिल के बारे में, पेंसिल कितने प्रकार की होती है और उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम एक मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है मिनी ड्राफ्ट। आइए फ्रेंड्स, मिनी ड्राफ्टर के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मिनी ड्राफ्टर है, ये सेट स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर, इनका सभी का कॉम्बिनेशन है। इसमें देखिए आप, यहाँ पर ये दो स्केल होती है जो 90 डिग्री पर यहाँ पर जुड़ी होती है, और यहाँ पर ये एक प्रोटेक्टर होता है जिसकी सहायता से आप, इस ड्राफ्टर की सहायता से आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल लाइंस, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे खोल करके और किसी एंगल पर लाइन भी ड्रॉ की जा सकती है, यानी कोई एंगल भी बनाया जा सकता है। यानी जो मिनी ड्राफ्टर है वो कॉम्बिनेशन है प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर एंड स्केल का। इसमें कुछ ये पार्ट्स होते हैं, एक साइड इसका ये जबड़ा होता है जो हम अपनी टेबल पर फिट करते हैं, और इसमें एक स्क्रू लगा रहता है टाइट करने के लिए, स्केल को टाइट करने के लिए भी एक स्क्रू रहता है, और ये इसकी चार लिंक्स होती हैं। तो ये है मिनी ड्राफ्टर, इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, किसी एंगल पर लाइन और किसी एंगल को बनाने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब जो भी हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला सवाल है, वार्पिंग क्रिया से बचाव के लिए ड्राइंग बोर्ड में लगाई जाती हैं। तो मैंने अभी लेक्चर के टाइम बताया था कि वार्पिंग क्रिया क्या होती है। जो ड्राइंग बोर्ड हमने बनाया हुआ है स्ट्रिप्स का यूज़ करके, वो फूल जाती हैं या फेल जाती हैं, उनको वार्पिंग कहा जाता है। तो वार्पिंग से बचने के लिए हमने लगाई हुई है वहाँ पर क्या, बैटर। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, किसी सेट स्क्वायर के द्वारा कोण नहीं बनाया जा सकता है। अब इसमें दोनों सवाल इंक्लूडेड हैं, अकेला सेट स्क्वायर हो या फिर कॉम्बिनेशन से हो, तो इसमें कौन सा एंगल है जो सेट स्क्वायर से नहीं बना सकते, 40 डिग्री। मैंने बताया था 15 डिग्री के मल्टीपल को अगर दोनों सेट स्क्वायर मिला दिए जाएँ तो 15 डिग्री के मल्टीपल और 15 डिग्री को बनाया जा सकता है, अदर कोई भी एंगल इससे नहीं बनाया जा सकता। अब उसके लिए हेल्प लेते हैं किसकी, प्रोटेक्टर की, ठीक है। तो 45 बन सकता है, 90 भी बन सकता है और 120 भी बन सकता है। लेकिन अगर सिंगल की बात करें, अगर मान लेते हैं एक सवाल सिंगल के लिए होता है, सिंगल के लिए मैंने बताया था 45 45, 30, 60 और 90, ये एंगल सिंगल जो हमारे पास सेट स्क्वायर है उससे बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें हेल्प चाहिए किसकी, टी स्क्वायर की। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, पेंसिल के लेड की हार्डनेस बढ़ाई जा सकती है, अभी हमने डिस्कस किया था। क्ले की मात्रा अगर हम बढ़ा देते हैं तो पेंसिल के लेड की हार्डनेस बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं, मेन एंड फाइनल लाइंस खींचने के लिए सामान्यतः पेंसिल उपयोग की जाती है। अब देखो यहाँ पर पेंसिल का नाम नहीं दिया हुआ है, ग्रेड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टाइप दिया हुआ है, हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल। आपको ध्यान रखना है मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो हार्ड पेंसिल से बनाया जाता है। इसके बाद बात करें, पेंसिल के लेड में प्रयुक्त पदार्थ, यानी पेंसिल का जो कोर होता है, लेड होता है, वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ था, अभी तो डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ग्रेफाइट तथा क्ले, ग्रेफाइट तथा क्रायोलाइट भी कहते हैं इसको, ठीक है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, हार्डेस्ट पेंसिल है, सबसे हार्डेस्ट पेंसिल, मैंने बताया था जो पेंसिल का ग्रेडिंग है 9H से शुरू होता है सबसे हार्ड, और 7F पर सबसे सॉफ्ट, सॉरी 7B पर सबसे सॉफ्ट जो पेंसिल है 7B, इनके बीच में चलता है। तो हार्डेस्ट पेंसिल कौन सी है, 9H, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और भी नाम आ जाता तो मैंने आपको पूरी टेबल बनाई थी यहाँ पर, दिखाई थी। नेक्स्ट है नंबर 7, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 9H, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स के लिए प्रयुक्त पेंसिल, कौन कौन सी पेंसिल है जो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग के लिए प्रयुक्त की जाती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिस्कस किया है, जो हार्ड पेंसिल है 3H, 4H, 5H एंड 6S, क्यों, क्योंकि जब इनको ड्रॉ करते हैं इनसे ड्राइंग, तो पेंसिल चलने के साथ साथ उसमें एक लाइन, गहरी लाइन भी बना देती है जो लास्ट काफ़ी टाइम तक रहती है। ड्राइंग पेंसिल के कुल ग्रेड्स हैं, कितने ग्रेड्स हैं, 18 बताए थे। मिनी ड्राफ्टर है सेट स्क्वायर तथा प्रोटेक्टर का संयोजन, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड टी स्क्वायर का संयोजन, नंबर सेकंड सही है, ठीक है। नंबर लास्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टेस्ट पेंसिल है, सबसे सॉफ्ट पेंसिल, अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है, 7B पेंसिल। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो हमने भी इन उपकरण पर किए हैं।